क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जो भारत में भाषा परिवार मिलते हैं वो अलग अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण हम इस तालिका के माध्यम से करते हैं इस तालिका में आप देख पा रहे होंगे आपको भाषा वर्ग और उस भाषा वर्ग के अंतर्गत उस भाषा का जो उप वर्ग है वो बताया गया है और वहां पर कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और वो कौन सा प्रदेश और क्षेत्र है इसका वितरण आपको समझाया गया है तो पहले हम बात करते हैं आर्य यूरोपीय भाषा परिवार की इस भाषा का उपवर्ग है दर्दी भारतीय आर्य भाषाएं और इसमें भी प्रमुख रूप से उत्तरी क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी पूर्वी दक्षिणी मध्य और मध्य पूर्व के क्षेत्र आते हैं और इसमें बोली वाली बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो मुख्य रूप से कश्मीरी आ, जो कश्मीर में बोली जाती है पहाड़ी और नेपाली भाषा ये आपको हिमालयी और उप हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेंगी उसके बाद कच्छी व सिंधी जो है वह पश्चिमी भारत में बोली जाती है उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है बंगाली भाषा पश्चिम बंगाल में और असमी जो है वो असम में बोली जाती है हम दक्षिणी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो वहां पर मराठी जिसमें महा जो महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है हम मध्य क्षेत्र में हिंदी भाषा का वर्चस्व है और ये आपको प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश उत्तरांचल हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश और दिल्ली क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं गुजराती गुजरात में बोली जाती है पंजाबी पंजाब में और राजस्थानी राजस्थान में बोली जाती है मध्य पूर्व के क्षेत्र देखें तो यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी और उर्दू भाषा बोली जाती है जिसमें प्रमुख क्षेत्र इसके आ, बिहार है उत्तर प्रदेश पूर्वी राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश हरियाणा और दिल्ली है दूसरे नंबर पर द्रविण भाषा है द्रविण भाषाएं है जो हैं, उसकी प्रमुख भाषाएं तमिल है जो तमिलनाडु में बोली जाती है तेलुगु आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दक्षिणी तटीय प्रदेश में बोली जाती है कन्नड़ कर्नाटक में मलयालम केरल और मालाबार तट में बोली जाती है और द्रविण बोलियां जो हैं वो मध्य प्रदेश और छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बोली जाती हैं। तीसरे नंबर पर आस्ट्रिक भाषाएं हैं इस भाषा को की जो प्रमुख भाषा है वो आपकी खासी है जो खासी और जयंतिया की पहाड़ियों प्रमुख रूप से जो मेघालय क्षेत्र है, है वहां पर बोली जाती है और उसके बाद संथाली भाषा बोली जाती है ये संथाली भाषा संथाल परगना मयूरभंज रांची और पूर्वी निबाड़ में बोली जाती है हाँ इस आश्रिक भाषा का एक और भाषा बोली जाती है इसके अंतर्गत जो निकोबारी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती है चौथे नंबर पर मंगोल और चीनी तब्बती तिब्बती भाषाएं हैं ये इसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें लद्दाखी है जो लद्दाख में बोली जाती है सिक्किमी भाषा सिक्किमी भाषा जो है वो सिक्किम और भूटान में असमी अरुणाचल प्रदेश में बोर्डो और नागा नागालैंड मिजोरम में काचीन कुकी चीन व बर्मी जो है वो मणिपुर में बोली जाती है भाषा प्रदेश जो है वो आपके भारत में जब राज्यों का पुनर्निर्माण किया गया तो पुनर्निर्माण आयोग की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत भारत में भाषाई राज्यों का पुनर्निर्माण किया गया संविधान में आठ भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है जो आगे चलकर पंद्रह हो गई और इसी के आधार पर एक नवंबर उन्नीस को भारत में पंद्रह राज्य जो है भाषा प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए और आगे चलकर स्थानीय भाषा को संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा और नए राज्यों की मांग बढ़ती गई और वर्तमान में 28 राज्य बन चुके हैं जिनमें 22 भाषाई प्रदेश में विभाजित हैं अब हम बात करते हैं जनसंख्या जनसंख्या के संगठन की जो हमने तीसरी विशेषता देखी थी उनका श्रमजीवी संगठन मतलब इसमें हम कार्यरत और अकार्यरत जो श्रमिक हैं उनकी बात करेंगे तो बच्चों हम सभी को पता है कि जनसंख्या जो है वो किसी भी देश या राष्ट्र की मुख्य संपदा या हम ये कह सकते हैं कि अनमोल संपदा होती है क्योंकि और बाकी जितने भी संसाधन वहाँ पर आ, उपलब्ध होते हैं उनको संसाधन का रूप देने का कार्य मनुष्य ही करता है या वहाँ की जनसंख्या ही करती है तो वहाँ पर किस प्रकार की जनसंख्या उस राष्ट्र में मिल रही है आ, इस बात पे ही डिपेंड करता है कि वो राष्ट्र कितना विकास की ओर अग्रसर होगा ये तो हम आयु संरचना में भी देखेंगे कि आ, उसके आधार पर हमने जो उसमें विभाजन किया कि भाई आ, कौन सा आ, कौन सी जो जनसंख्या है वो पराश्रित है और आ, कौन सी जनसंख्या है जो डिपेंडेंट है खुद में तो इसमें हम देखते हैं कि आ, पर्टिकुलर जिस राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं अगर हम उस राष्ट्र के विकास का अध्ययन करेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और वो कार्यशील जनसंख्या में भी क्योंकि वो आ, ये हमें बताती है कि वहाँ की जो जनसंख्या है वो तकनीकी हिसाब से या विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राध्यो, में उसने आ, कितना विकास किया है या उसकी जो तकनीकी क्षमता है उसको वो बताती है और उसी पे डिपेंड करेगा कि वो राष्ट्र जो है वो कितना विकास करेगा जिस देश में जितनी अधिक कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत होगा वो देश उतना ही विकसित होगा तो आइए हम देखते हैं कि यदि हम किसी भी देश में या देश की जनसंख्या में श्रम की जो प्रतिभागिता दर की बात करेंगे कि वहाँ पर प्रतिभागिता दर कहें या वहाँ पर कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ये दोनों जो है वो एक ही बात हो जाती है कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील श्रमिकों का प्रतिशत अब इसे हमने जो श्रमिक की बात की है या कार्यशील जनसंख्या की जो हम बात कर रहे हैं तो उसे क्रमशः तीन वर्ग में रखा जाता है जो श्रमजीवी संगठन का यदि हम वर्ग वर्गीकरण करें तो आर्थिक आधार पर इसके तीन वर्ग हैं पहला वर्ग जो है वो आपका मुख्य श्रमिक होता है मेन पावर और इसके अंतर्गत ऐसे लोग शामिल होते हैं जो वर्ष में लगभग 183 डेज या एक दिन या इससे अधिक कार्य करते हैं या उन्हें इससे एक दिन या इससे अधिक रोजगार मिल पाता है वो आपके मुख्य श्रमिक या मेन पावर कहलाते हैं इसके बाद आपका दूसरा वर्ग जो है वो सीमांत श्रमिक या मार्जिनल वर्कर्स के नाम से जाना जाता है उन्हें और इसमें आ, ऐसे श्रमिक या वर्कर्स जो हैं वो शामिल होते हैं जो एक दिन या एक दिन से कम दिन जो है वर्ष में कार्य करते हैं तो ये आ, जो श्रमिक होंगे जो 183 एटी डेज से कम कार्य करते हैं एक वर्ष में वो सीमांत श्रमिक हो गए इसके बाद तीसरा वर्ग जो है वो हम देखते हैं जिन्हें हम कहते हैं अश्रमिक या नॉन वर्कर्स और ये वो वर्ग है जो वर्ष भर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता तो नेचुरली है कि इसमें कौन सा वर्ग आएगा इसमें हम अपने बच्चों को ले लेंगे जो लगभग ज़ीरो टू सिक्स या ज़ीरो टू एट ईयर्स के जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे और या फिर जो वृद्ध जन हैं बुजुर्ग जो हैं उस देश में निवास करने वाले जो आश्रित जनसंख्या जिसे हम कहते हैं और हमको पता होना चाहिए कि हमारे देश में आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो लगभग 60 है 60 परसेंट जो है पॉपुलेशन वो आश्रित जनसंख्या की है तो ये जो वर्ग है जो वर्ष भर किसी भी प्रकार का कोई कार्य एक भी दिन नहीं करते हैं जिसमें राष्ट्र में उनकी भागीदारी या हम ये कहें कि राष्ट्र की आय में उनकी भागीदारी हो वो आपके अश्रमिक या नॉन वर्कर्स जो हैं कहलाते हैं अब हम जब क्रियाशील जनसंख्या की बात करते हैं तो हम अपने देश में देख लेते हैं कि हमारे देश का लगभग थर्टी नाइन पॉइंट एट परसेंट जो पॉपुलेशन है या जो जनसंख्या है वो क्रियाशील जनसंख्या है और इसमें भी जब हम राज्यों में बात करें तो गोवा जो है इसमें पहले स्थान पर है जो थर्टी फाइव पॉइंट लगभग सिक्स परसेंट जो है वो गोवा की आ, क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है और जब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव हैं जो 49.9 परसेंट यहाँ पर क्रियाशील जनसंख्या निवास करती है अब हम ये देखते हैं कि भाई जब हम क्रियाशील जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो हमको इसमें बहुत सारे वर्ग मिलेंगे जो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं तो जो श्रमजीवी जनसंख्या है इसके चार वर्ग हमारा जो व्यवसायिक वर्ग है जो कार्यशील जनसंख्या है उसके हमें लगभग चार वर्ग देखने को यहाँ पर मिलते हैं पहला है कृषक और आपको ये बात भी जानना चाहिए कि हमारी जनगणना में भी जो क्रियाशील जनसंख्या है श्रमजीवी जो वर्ग है उसे इन्हीं चार वर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला है आपके कृषक वर्ग आते हैं जो किसान हैं और इनकी जो जनसंख्या है वो आपके हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में अधिक मिलती है इसके बाद दूसरा वर्ग हम देखते हैं कृषि मजदूर का कृषि मजदूर जो है मतलब किसी भी प्रकार से जो खेतों में या कृषि मजदूरी का जो कार्य करते हैं वो कृषक मजदूर के अंतर्गत आते हैं और इनकी जनसंख्या जो है वो बिहार आपके आंध्र प्रदेश में छत्तीसगढ़ में उसके बाद ओडिशा में फिर झारखंड ये जो हैं प्रमुख राज्य हैं जहां पर हमको कृषक मजदूरों की संख्या मुख्य रूप से अधिक मिलती है और हमें ये भी मालूम है कि चाहे वो कृषि का कार्य हो मतलब जो कृषक हैं और या वो कृषि में मजदूरी का कार्य करते हैं कृषि मजदूर के रूप में कार्य करते हैं ये दोनों ही आपके प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं तीसरा जो है वो आपका घरेलू औद्योगिक श्रमिक जो कुटीर उद्योग वगैरह में काम कार्य करते हैं और इसमें लगभग देश का जो आ, देश की जनसंख्या का 3.8% परसेंट इसमें लगा हुआ है और चूंकि ये उद्योगों से संबंधित है इसलिए ये द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा फिर चौथा है अन्य श्रमिक अदर वर्कर्स इसमें लगभग आपके 41. वन पॉइंट सिक्स परसेंट जो पॉपुलेशन है वो लगी हुई है और ये तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें उद्योगों के अलावा फिर वो व्यापार और वाणिज्य से संबंधित बातें हो गई फिर चाहे वो यातायात हो परिवहन हो किसी भी कार्यालय में किसी भी तरह का वो कार्य करते हों तो ये जो अन्य श्रमिक का जो वर्ग है वो आपके तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आता है और इसमें हम देखेंगे दिल्ली है चंडीगढ़ है पुदुचेरी है ये सब जो राज्य हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से इस प्रकार के तृतीयक व्यवसाय में लगे हुए श्रमिक हमें अधिक संख्या में मिलते हैं इसमें हम बात करेंगे किसी भी प्रकार का चाहे वो मरम्मत का कार्य कर रहे हों या गैर घरेलू उद्योगों से हटकर या अभी हमने जो बात की कि भाई व्यापार वाणिज्य यातायात परिवहन निर्यात किसी भी चीज़ में लगे हुए हों हु, वो इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं अब हम जनसंख्या संगठन के एक अन्य विशेषता जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो आपकी आयु संरचना और दूसरी लिंग संरचना या लिंगानुपात पर हम बात करेंगे इसके पहले भी हमने कहा था कि कार्यशील जनसंख्या जो मेन पावर होता है किसी राष्ट्र का वो उस राष्ट्र की प्रगति या विकास का महत्वपूर्ण तो बिंदु होता है इसी आधार पर हम बात कर लेते हैं किसी भी राष्ट्र की आयु संरचना पर क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ही बात की थी कि लगभग 60 परसेंट जो है वो आश्रित जनसंख्या जिसका किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता है राष्ट्र के कार्यों पर तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है कि, कि किसी राष्ट्र में बुज़ुर्ग वर्ग की जो जनसंख्या है वो अधिक है या बाल आयु वर्ग जो है वो अधिक है या हम ये देखेंगे यूथ जनरेशन लगभग 15 टू 59 जिनका एज ग्रुप है ये एज ग्रुप वाले यदि किसी राष्ट्र में हमको अधिक मिलते हैं मतलब यंग जनरेशन जो है वो उस राष्ट्र की महत्वपूर्ण शक्ति हम कह सकते हैं मेन पावर और जितनी भी टेक्नोलॉजी है चाहे आप शिक्षित तो वो होती ही है और नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में आ, ये हम ये बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा आगे होती है ये जो जनरेशन आ, होती है यूथ जनरेशन तो अगर किसी भी राष्ट्र में आ, इस यूथ जनरेशन या इस आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक मिलेगी तो ये नेचुरली है कि उस राष्ट्र के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी को किसी तकनीक को कि, किसी भी प्रकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एडॉप्ट करने में इनका अहम रोल होता है या हम ये कहें महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो आज हम बात करते हैं एज स्ट्रक्चर पर या आयु संरचना पर तो यदि हम भारत में बात करें तो यहाँ पर दो आयु वर्ग की जनसंख्या हमें मिलती है पहला अनारजक जनसंख्या या हम जिसे बोलते हैं नॉन ईयरनिंग पॉपुलेशन जो है इसके इसे भी हम दो वर्ग में रख सकते हैं पहला आयु वर्ग जो होता है इसमें शून्य से चौदह वर्ष आयु वर्ग के लोग जो हैं शामिल होंगे और दूसरा जो वर्ग है उसमें साठ से अधिक आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं और ये दोनों ही आयु वर्ग की जनसंख्या ऐसी है कि ये दूसरे पर डिपेंड होती है हमें पता है कि ना तो बच्चे कार्य करेंगे ना ही राष्ट्र के कार्य किसी भी प्रकार के कार्य में उनकी सहभागिता होगी और ना ही बुजुर्ग व्यक्ति ये दोनों ही जो हैं वो आपके युवा वर्ग पर आश्रित वर्ग होता है ये दोनों आयु वर्ग का जो प्रतिशत है वो हमारे भारत में लगभग 46% परसेंट है और दूसरी जो जनसंख्या है या दूसरा जो वर्ग है वो है अर्जक जनसंख्या या हम जिसे अर्निंग पॉपुलेशन भी कहते हैं इसमें लगभग आपके पंद्रह आयु वर्ग से लेकर उनसठ आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं वो इसमें शामिल होते हैं अब हम देखते हैं कि आ, लिंग अनुपात लिंग अनुपात हम प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं मतलब पुरुषों के अनुपात में किसी भी देश में महिलाओं की संख्या कितनी है अब हमने अभी कहा था प्रति हज़ार तो हमारे भारत में लिंग अनुपात निकालने का या लिंगानुपात सेक्स रेशियो निकालने का फार्मूला जो है वो आ, प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो निकाली जाती है तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पर दिख रहा है आ, किसी भी राष्ट्र में उस जनगणना वर्ष में आ, कुल महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और उसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हज़ार से तो प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो निकल कर आ जाएगी इसमें हम देखेंगे कि हमने हजार में निकाला है और कई देश जो हैं वो इसे सौ की दर में भी निकालते हैं तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि हम हजार की जगह उसमें सौ का गुणा कर दें तो प्रति सौ पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो हमें निकल कर आ जाएगी इसमें देखते हैं हम कि जब प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम होगी तो हम उसे कहते हैं कि उस क्षेत्र उस देश या उस राष्ट्र में महिलाओं की संख्या कम है और जब प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या हमको अधिक मिलेगी तो इससे हमारा तात्पर्य होता है कि वहाँ पर लिंगानुपात जो है वो अधिक है और ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अहम है क्योंकि हमें पता है चाहे हम आ, किसी परिवार किसी समाज या देश या पूरे विश्व की बात करें तो लिंग अनुपात जो है वो उसका बैलेंस होना बहुत आवश्यक है क्योंकि महिला और पुरुष जो हैं वो एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं भले ही हमारे भारत जो हमारा भारतीय समाज है जो एक पुरुष प्रधान समाज है यहाँ पर महिलाओं की स्थिति को बहुत कम आका जाता है और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि लगातार जो घटती हुई लिंगानुपात की स्थिति है उसके कारण अब ये स्थिति पैदा हो गई है कि बहुत से लड़के जो हैं वो कुरे ही रह जाएंगे भाई इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि यदि एक हज़ार पुरुष है और उसमें महिलाओं की संख्या किसी भी क्षेत्र में आठ सौ या नौ सौ है तो फिर सौ पुरुषों के लिए महिलाएं कहाँ से आएंगी है ना? तो ये दोनों ही जो अनुपात है चाहे हम महिला की बात करें या हम पुरुष की बात करें तो इनका जो ये जो रेशियो है वो बैलेंस होना बहुत आवश्यक है अब हम ये देखते हैं कि हमारे देश में लिंगानुपात के कम होने के क्या कारण हैं तो हमें मालूम है कि जो भार, हमारा भारतीय समाज है वहाँ पर अभी हमने बात की थी ना कि स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है वहाँ पर पुरुष को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है चाहे हम शिक्षा के संबंध में बात करें पालन पोषण की बात करें है ना यदि हम कार्य के संबंध में बात करते हैं कि घर की जो आर्थिक स्थिति है वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए तो वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है पहला कारण है दूसरा हम देखते हैं कि जहाँ पर भी जो लड़के और लड़कियाँ यदि एक परिवार में दो मिलते हैं दो बच्चे हमें तो हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोषण में बहुत कम ध्यान दिया जाता है भाई इसे यही बोलकर हमेशा से टाल दिया जाता है क्योंकि हमारे भारतीय समाज में ये रिवाज है कि लड़कियां जो हैं वो विवाह के बाद अपने पति के घर चली जाती हैं अपने ससुराल चली जाती हैं तो हमेशा यदि उनकी पढ़ाई शिक्षा की बात हो या उनके कार्य करने की बात हो या उनके लालन पोषण की बात हो बहुत उच्च शिक्षा देने की बात हो तो यही कहकर टाल दिया जाता है कि भाई तुम्हें तो दूसरे घर जाना है ये हमारे समाज की एक मेंटलिटी है हालांकि अब इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है और बहुत सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना इसमें बाकी है तो दूसरा रीज़न हमने देखा कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के पालन पोषण पर कम ध्यान दिया जाता है फिर हम ये देखते हैं कि जो डिलीवरी पीरियड होता है उसमें भी बहुत साली आ, बहुत सारी जो महिलाएं हैं स्त्रियां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है बहुत आ, उचित चिकित्सा के अभाव में जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं अनुसूचित अनुसूचित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आ, ये जो है ये घटनाएं हमें अधिक देखने को मिलती हैं इसके बाद हम देखते हैं कि आ, लड़कियों की हमेशा उपेक्षा की जाती है मतलब उन्हें ये कहकर चार दीवारी के अंदर ही आ, हम बहुत सारे बहुत से जो राज्य ऐसे हैं हमारे देश के यहाँ पर हम देखेंगे कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है और ये तो एक आम बात अभी जो मैंने कही थी कि भाई तुम्हें तो पराए घर जाना है ये कहकर हम उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर ही नहीं पाते हैं हमेशा लड़कों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता है और लड़कियों को इस संबंध में अवॉइड किया जाता है इसके बाद हम देखते हैं आ, अभी हालांकि इस आ, इन घटनाओं पर बहुत कुछ रोक लगा दी गई है लेकिन अभी भी आ, ये पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाया है जो कन्याओं की भ्रूण हत्या होती है मतलब जन्म के पहले ही आ, किसी भी प्रकार के टेस्ट सोनोग्राफी से ये पता लगा लिया जाता है कि आ, गर्भ में आ, बालक है या बालिका है लड़का है या लड़की है और यदि वो लड़की होती है तो गर्भ में ही उनकी हत्या कर दी जाती है हम सभी को पता है कि ये यह एक अपराध है और ये जानते हुए भी लोग ये अपराध करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं और हालांकि इस पे बहुत से कानून भी बनाए गए हैं लेकिन तब भी ये जो अपराध है वो अपनी चरम पर है फिर हम देखते हैं कि हमने बात की थी कि या तो हम उसकी शिक्षा की बात करें लड़कियों की शिक्षा की बात करें या उसके स्वास्थ्य की बात करें खास करके मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में और ख़ास करके जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं आदिम समाज जहाँ पर होता है हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर आदिम समाज में होगा बहुत सारे ट्राइब्स वाले ऐसे क्षेत्र हैं जो महिला प्रधान समाज होता है जहाँ पर लेकिन हम बात करें जो पिछड़े हुए अलग थलग हैं मुख्य समाज की धारा से जो एकदम अलग हैं वहाँ पर हमें अक्सर ये देखा जाता है और कई बार तो बहुत पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के घर में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है तो ये कुछ कारण हो गए जो देश में कम लिंगानुपात की स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं अब हम अपने बात करते हैं 2011 जनगणना के अनुसार तो केरल में हमको सबसे अधिक केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में मिलता है यहाँ पर एक दशमलव छः शून्य करोड़ पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो एक दशमलव सात तीन करोड़ मिलती है मतलब यहाँ का लिंगानुपात जो है वो एक हज़ार चौरासी है वन ज़ीरो एट फोर यहाँ पर यदि एक हज़ार पुरुष हैं तो उन एक हज़ार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या एक हज़ार चौरासी या आ, वन ज़ीरो एट फोर हमें देखने को मिलता है इसका कारण ये है कि केरल में जो मातृ सत्तात्मक आ, व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की हम बात करेंगे वो देखने को मिलती है महिलाओं को वहाँ पर समाज में समान अधिकार या अधिक वेटेज जो है वो दिया जाता है और इसके बाद यदि हम बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी में हमको सबसे अधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक जो है वो यहाँ का लिंगानुपात है इसका भी मुख्य कारण केरल में भी शिक्षा का शिक्षा की व्यवस्था शैक्षणिक स्थिति जो है वहाँ पर खास के महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है उसी प्रकार यहाँ भी जो शैक्षिक व्यवस्था है या शिक्षा की जो सुविधाएं हैं शिक्षा का जो प्रचार प्रसार प्रचार प्रसार है वो बहुत अधिक है इस कारण यहाँ भी हमें लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है इसके बाद अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति नहीं है अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर महिलाओं की स्थिति स्थिति जो है वो थोड़ी ठीक है यहाँ पर प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 991 या नौ सौ हमें देखने को मिलती है हम ये देखते हैं कि जो भारत में सिर्फ 15 राज्य और दो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें पौंडीचेरी और लक्षद्वीप है जहाँ पर कि लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और बाकी जगह जो लिंगानुपात है वो आपके राष्ट्रीय औसत से कम देखने को मिलता है और यदि हम बात करें चंडीगढ़ की दिल्ली हरियाणा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर लिंगानुपात की जो दर है वो बहुत ही कम है अब हम ये देखते हैं कि भाई जो लिंगानुपात कम है जिन भी राज्यों में या हमारे भारत देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए या लिंगानुपात को और बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं या क्या प्रयास जो है वो भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं तो इसमें हम देखते हैं पहला है जो पिता की संपत्ति है उसमें पहले सिर्फ पुत्रों का अधिकार हुआ करता था यदि हम प्राचीन समय में चले जाएँ तो लेकिन अब आ, स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए ताकि वो समाज में अपेक्षित ना उपेक्षित ना हों इसके लिए ये कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्रों के समान ही पुत्रियों को भी अधिकार दिया जाएगा उसकी संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि उनके पुत्रों का इसके बाद हम देखते हैं कि बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना दिया गया है कि 18 वर्ष से कम लड़कियों कम उम्र की जो लड़कियां हैं उनका यदि विवाह किया जाएगा तो ये एक अपराध है बाल विवाह को भी एक अपराध माना जाता है और इसके लिए लड़कियों की जो उम्र है विवाह की जो उम्र है उसे 18 वर्ष कर दिया गया है हालांकि इसके इस कानून के बनने के बाद भी इस नियम के बनने के बाद भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में हमें जो पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बाल विवाह की संख्या बहुत अधिक है मतलब बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह होते हैं लेकिन फिर भी इस कानून के बन जाने से लोगों के मन में एक भय रहता है और वो ये ये अपराध करने से थोड़ा सा झिझकते हैं फिर हम देखते हैं और तीसरा इसमें उपाय किया गया है कि जो ग्राम समाज है या हम देखेंगे ग्राम पंचायत है नगर पालिका है इन सभी क्षेत्रों में या इन इन सारे विभागों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की जो सीमा है मतलब वहाँ पर उनके परसेंटेज जो है वो निश्चित कर दिए गए हैं कि स्त्रियों की भी भागीदारी इसमें होनी चाहिए इसके बाद हम देखते हैं कि आ, किसी भी प्रकार की नौकरी में पुरुषों के समान अवसर जो है उन्हें प्रदान करने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें हर नौकरी में तीस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है भारत सरकार के द्वारा फिर हम देखते हैं शिक्षा के भी अधिक अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा और इसके लिए बालिका शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन के लिए नए नए जो नियम या कानून बनाए जाते हैं शासन के द्वारा तो ये कुछ उपाय किए गए हैं भारत शासन के द्वारा जिससे हम अपने देश में राष्ट्र में समाज में स्त्रियों की स्थिति को सुधार कर पाएँ लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये उपाय तो शासन के द्वारा किए जा रहे हैं या हमने कुछ इनकी जो स्थिति है उसके कारण देखें कि भाई क्यों हमारे समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है वो दयनीय है या बहुत बुरी क्यों है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सामाजिक स्थिति जो है तो ये सब के लिए ये तभी प्रभावशील हो सकता है शासन के द्वारा जितने भी जो उपाय कर लिए जाएं या कानून बना दिए जाएं जब तक हमें खुद में जागरूकता नहीं आती तब तक स्त्रियों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता हमको पता होना चाहिए कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे परिवार और अपने समाज को शिक्षित करती है ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसलिए किसी महिला का एक स्त्री का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है क्योंकि अपने बच्चों में संस्कार एक महिला ही डालती है तो वो एक सभ्य जो समाज है सभ्य या सुसंस्कृत समाज का निर्माण करती है अगर एक महिला शिक्षित होती है तो, तो ये सब के लिए हमें खुद को भी प्रयासशील या मैं कहूँ जागरूक होना तो ये ज़्यादा से ही शब्द होगा कि हम सभी को जागरूक होना चाहिए ताकि हम अपने घर में अपने परिवार में और अपने समाज में वहाँ पर जो भी महिलाएं हैं चाहे वो हमारी बहू हो या हमारी बेटी हो उसको एक उचित स्थान जो है वो प्रदान करें